फूल का गुच्छा लेकर अपने अपने ही प्रेमिका को देने के लिए वो जा रहा था, लेकिन इतने में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया। इतना बाढ़ आ गया, बाढ़ का पानी इतना बढ़ता गया, उसकी गर्दन तक आ गया। अभी वो तो ऐसे पकड़ा था फूल को, अभी सोचा कि अभी तो मृत्यु लगता है कि मृत्यु आने वाला है, हमें बच नहीं पाऊंगा। तो ये फूल को लेकर क्या किया जाए, ऐसे ही सोचते हुए गोविंद हमारे मर गया। लेकिन यमदूत जब आए छोटा के लेके जाने के लिए, तब यमराज ने बोला यमदूत ये अपने अंतिम काल में भगवत कह कर ये किया है, कुछ भगवान के लिए फूल अर्पण किया है, इसलिए इसको नरक में मत लेके जाओ पहले, इसके लिए 5 मिनट का स्वर्गवास है। तो उन्होंने इस आदमी को बुलाकर बोला, देखो तुम स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग के सीमा के बाहर कुछ बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, उधर तुमको घूमने के लिए थोड़ा विचरण करने के लिए 5 मिनट दिया जाएगा बस। और बुरा होने के बाद ये व्यक्ति ने पूछा, ठीक है उसके बाद नरकवास कितने समय के लिए? वो बोले पूछो मैं तुमने इतना पाप किया है, वो तो बहुत लंबा चौड़ा काल होगा, ऐसे बोले उसको। उन्होंने पूछा तुमको पहले किधर जाना है, स्वर्ग में जाना है नरक में जाना है? वो बोला स्वर्ग देख लेता हूँ पहले, स्वर्ग जाने की इच्छा है। ठीक है उनको भेजा गया उधर। तो स्वर्ग जाने के बाद देखा कि स्वर्ग के बाहर भी जो बगीचे थे कम खूबसूरत थे, रंग बिरंगे फूल थे, सुगंधित फूल थे। तो उसने सोचा कि अगर बाहर भी स्वर्ग इतना सुंदर हो, अंदर और कितना सुंदर होगा। तो देखा उसने झील था, बहुत बड़ा झरना था, एकदम माहौल बहुत अच्छा था उधर। तो उसने सोचा अपने मन ही मन, ऐसे मैंने क्या अच्छा काम किया जिसके कारण मुझे अभी स्वर्गवास प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि ये ठीक क्षण में मैंने भगवान गोविंद को फूल चढ़ाया बस, इसके कारण कुछ समय के लिए